क्या खा रही हो? क्या खा रही हो सफा? है अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल। काफ़ी दिन से प्लान किया हुआ था कि एम्पोरियम जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट एक दिन टाइम निकाल ही लिया एम्पोरियम मॉल जाने के लिए। तो कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी, तो सोचा था कि बच्चों को भी थोड़ी सी आउटिंग करवा देंगे। तो पहले तो मेरा इरादा था कि अगर मैं कुछ ख़रीदूँ तो बच्चों को छोड़ के चले जाऊँ उनके पापा के पास। फिर सोचा कि नहीं, साथ ही ले जाती हूँ, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम सबको ही बारी बारी बुखार चढ़ रहा था। पहले शायान को हुआ, फिर मुझे, फिर सफ़ा को, और फिर मेरे हस्बैंड को हो गया। अल्लाह का शुक्र है करोड़ों बार के सुबहान बच्चा हुआ अब तक, और बच्चा ही रहे, क्योंकि आजकल जिसको भी बुखार होता है वो तो जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। बहरहाल बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पे एक मसला भी हो गया जो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी। अब की बार जो है मैं एम्पोरियम मॉल काफ़ी देर बाद आई हूँ, और ये मेरे ख्याल से समर का ही जो है, ये मैंगो का सारा इन्होंने बनाया हुआ था, सारी डेकोरेशन की थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर बटरफ्लाइज और ये पता नहीं क्या एक और चीज़ है जो इन्होंने लगाई हुई थी, मैंगो थे, कोई लाइम, और इस तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि ये तीनों बड़े आराम से ऐसे जा रहे हैं, लेकिन खैर इतना भी आराम से नहीं कि इन्होंने फिर ऐसा आराम कराया मुझे कि बस मुझे फिर जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा। और खैर अभी तो ये बड़ा खुश हो रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि जो सफ़ा है वो भी अब आराम से जा रही थी, क्योंकि ये अपने बाबा के साथ ही कंफर्टेबल रहती है। जब भी जाए कहीं ये इसे मामा तो भूल जाती है, जो भी साथ होता है इसे वही याद रहता है। और अब की बार ये हुआ था कि सुबहान जो है ना, इसने इसको संभाला हुआ था, और ये भाईजान 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 के साथ ही बस चलती फिर रही थी कि मामा जो है वो थोड़ा सा रोकेगी, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हूँ कि इधर उधर ना बच्चे हो जाए, रश होता है। तो ये जो है सुबहान के पास ही ज़्यादा रही। इधर ये एक लाइन बना हुआ था, और यहाँ से जो है लाइन के माउथ से जो है ना, इन्होंने ये फाउंटेन बनाया हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ में सोचा थोड़ी सी पिक्चर्स भी इनकी ले लूँ, अदरवाइज़ तो ये पिक्चर्स लेने नहीं देते, बस ऐसे ही अचानक से ही ले लूँ तो बस ले लूँ। फिर हम लोग को केसरिया की शॉप जो है वो दिखी कि उसमें कुछ ऑफ भी था और न्यू अराइवल भी आया था, और बच्चों की बड़ी प्यारी वैरायटी लगी हुई थी। तो पहले मैंने सोचा कि कुछ बाय भी कर लेती हूँ और देख लेती हूँ, आइडिया हो जाता है कि सीज़न में मैं कैसे कपड़े पहनाऊँ और कहाँ से मुझे रीज़नेबल मिल सकते हैं, कहाँ से नहीं मिल सकते, और स्टफ़ कैसा हो, ये सब जो है मैं देखने के लिए चली गई। लेकिन मैं ख़रीद तो कुछ भी नहीं सकी, क्योंकि बच्चों ने मुझे कुछ ख़रीदने दिए ही नहीं, कभी ये भाग कभी वो भाग। तो फिर जब बच्चों के साथ माँ आ जाए और जो बाबा हों साथ, तो फिर थोड़ा सी बचत हो जाती है, लेकिन खाली मामा और साथ में इनकी नानों थी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद हम लोगों जो है सफ़ायर में आ गए। सफ़ायर में तो आपको पता है बहुत अच्छे इनके कपड़े होते हैं, इनकी न्यू कलेक्शन भी आ चुकी थी विंटर की, बच्चों की भी न्यू कलेक्शन आ चुकी थी। बच्चों के कपड़े जो हैं वो तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, बहुत प्यारे। लेकिन मेरा इरादा था कि सफ़ा को पहले मैं पहना के देखूं वहाँ पे, अगर तो इसको अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, और फिटिंग वगैरह जो है ना, ये इतनी स्मार्ट सी है, अक्सर इसका ऐसा ही होता है कि इसका जो साइज़ है वो मुझे माइनर में लेना पड़ता है। ये आपने लेना है? इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। सफ़ायर की जो लग्जरी कलेक्शन है बच्चों की वो भी बहुत प्यारी है। और ये जो एक ड्रेस है सामने ब्लू कलर में, और ये इसका जो है कॉम्बिनेशन वो था पैरेट कलर में किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, गरारा था या गरारा था आई थिंक। तो लेकिन मैं भी पे ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि सारी बात है बच्चों के साथ तीन बच्चों को संभाल के बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे यही था कि सफ़ा को पहनाऊँ और ये सब। इसके बाद इनको आइसक्रीम दिखी, और आइसक्रीम की जो है
कौन सा बच्चा जो आइसक्रीम का शौकीन ना हो, और हद से ज़्यादा शौकीन है माशाल्लाह से ये। और सबसे पहले तो मैंने इनको सोचा कि आइसक्रीम ही ले दूँ, और आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी यहाँ की। हाय, सारी ठग गया उसकी। सुभान, अपनी खाए ना बेटा, शयानी तो देखो। इसके बाद हम लोग आ गए आउटफिटर में। आउटफिटर में जो है अभी सेल के कुछ आइटम्स थे 50% ऑफ के, और काफ़ी प्यारे आइटम होते हैं इनके। और जो है मैंने यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली, वो तो मुझे पहना के देखना नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आउट सीज़न जो थी चीज़ें वो ली थी। और ये जो वीडियो है जो बड़ी फास्ट फास्ट, ये शायान ने वीडियो बनाई थी, और क्योंकि फारिक भट्टा तंग भी कर रहा था मुझे, तो मैंने इसको बोला कि ये वीडियो बनाए। एंड पे हुआ ये कि शायान को बुखार हो गया, बड़ी मुश्किल से ये ठीक हुआ था, और अब इसको थकावट हो गई और फिर से इसको बुखार हो गया। और इसकी बुखार की वजह से मैं बहुत ही परेशान हो गई, कि बस मेरा ध्यान इसकी तरफ ही था कि खुदा ना खास्ता फिर से वही ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जाके ये ठीक हुआ था। तो बस हमारा यही व्लॉग था आज का। और हम लोग बच्चा पार्टी पे भी गए थे, लेकिन मैं थक भी गई थी क्योंकि बच्चों के साथ, और मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।